जो बातें संसद के अंदर एक हिंदू नेता ने कही है वही बातें अगर गलती से कोई सिख बोल देता तो अभी तक तो ना ये भांड मंडिया उसके दलाल और ये चिंटू मिंटू और ये क्या वो गोबर खारिया और एक और है क्या है पता नहीं ढकोसलेबाज है कोई भगत सिंह की फोटो लगाता और कुछ लगाता ढकोसलेबाज है वो, ये अभी तक शायद तांडव नृत्य कर रहे होते तांडव नृत्य। ये देखो जी देश तोड़ने की बात कर दी, ये तो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये सिख नहीं जी ये खालिस्तानी है बोलते ना ये शब्द। अब क्या बोलोगे जब बोलिया गया पूरा प्रूफ है अभी सुनाएंगे आपको प्रूफ सुनाएंगे। जब उसने बोलिया क्या नाम है वसुद्दीन ओवैसी ने उस पर कौन सा एक्शन ले दिया, ओवैसी ने भी तो बोल दिया जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन जय फलानतीन, उसने भी तो बोल दिया मतलब दूसरे देश की जय बोल रहे, इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि ओवैसी नहीं का आदमी है तो इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद उसने बोला जय हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र क्या है भाई, ये जय हिंदू राष्ट्र क्या है। अगर वहीं पर कोई सिख बोल देता, सिख बोल देता कि जय खालिस्तान तो क्या होता पता है, अभी तक तो तांडव नृत्य हो रहा होता पूरी भांड मंडिया और उसके दलालों का, ऐसा ऐसा तांडव नृत्य होता देखो जी ये आग तो यहां संसद तक पहुंच गई। अब नहीं पहुंची क्या संसद तक, ये तुम्हारे कानों पे जू नहीं रेंग रही, या तुम्हारे कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही, ये क्या है रे बताना एक बार। हाँ ओवैसी मैंने तो बहुत पहले बता रखा है ओवैसी इनका आदमी है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आती ओवैसी जो इनका आदमी है क्यों नहीं समझ में आ रही, हमारी तो समझ में नहीं आया भाई अभी तक। लेकिन ये क्या है थोड़ा सा बताना जो ओवैसी ने बोलिया है इसके बारे में, क्या कोई कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा क्यों, क्योंकि इन्हीं का आदमी तो बोल रहा है, क्या बात होगी फिर, इनका बंदा है बोल सकता है कि नहीं, ओवैसी तो इन्हीं का बंदा है ना वो बोल सकता है भाई। उसने बोल दिया जय भीम जय मीम, ये मीम क्या था, अगर कोई दूसरा आदमी बोल देना जय मीम तो भाई जो ये जय भीम बोलने वाले हैं ये पूरा तांडव नृत्य करते ना, ओवैसी के खिलाफ कुछ किया क्या आप लोगों ने, नहीं किया। जय मीम क्या होता है, चल ठीक है जय भीम जय संविधान बोल दिया ठीक है भाई बोल दिया, लेकिन जय मीम क्या था, जय फिलिस्तीन क्या था, जय फिलिस्तीन क्या था, लेकिन कोई एक्शन नहीं कुछ नहीं। ऊपर से आपका ये क्या कहिए, मतलब के गजब है कमाल है जो कुछ भी है ना, बस आप लोगों की माया बड़ी अजीब है, आपकी माया को है ना बस कोई नहीं समझ सकता। एक बार थोड़ा ना इसको ध्यान से सुनना उसके बाद बात होगी। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का अब सुनना निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र जय भारत। ये क्या था भाई, जय हिंदू राष्ट्र जय भारत है। अब ये कन्फर्म करो हिंदू राष्ट्र है या भारत है, हिंदू राष्ट्र है या इंडिया है, कन्फर्म करो पहले इसको, उसके बाद आगे बात होगी। ये हिंदू राष्ट्र तो नेपाल है, जाओ ना फिर नेपाल, इतना ही ज्यादा दिल करे तो नेपाल जाओ। छत्रपाल सिंह गंगवार जय हिंदू राष्ट्र, मतलब अगर कोई सिख बोल देता तो इसकी जगह पे अभी तक क्या हो रहा होता, आता सबसे पहले आता गोबर खा रिया क्योंकि उसको ज्यादा तकलीफ होती है ना, हम उसकी देखो उसकी तकलीफ समझते हैं, रिश्तेदार आदमी है उसकी तकलीफ समझते हैं, उसको तकलीफ पर्सनली है, उसको तकलीफ ये नहीं कि सिख तरक्की कर रही, उसको तकलीफ थोड़ी पर्सनली है तो उसकी पर्सनली तकलीफ तो बढ़ती रहेगी। फिर ये चिंटू मिंटू खड़े हो जाते हैं, पहली बात तो चिंटू मिंटू का दर्द तो ना उसको नक्सी नार कौन है वो मुसलमान शादी कर रहे हैं वहां पर इनका दर्द खत्म नहीं हो रहा, क्यों नहीं खत्म हो रहा समझ में नहीं आ रहा, क्यों खत्म नहीं हो रहा वो समझ में नहीं आ रहा इनका दर्द, और वो शादी कर भी गए। एक तो इनको बेचारे को ना ये मुसलमानों के पीछे लगते हैं, हर महीने दो महीने में एक जीजा मुसलमान इनको मिल जाता है, एक जीजा मुसलमान मिल जाता है इनको, अब उसका गोबर खारिया का तो अपना अलग सवेग है भाई, वो तो क्या है वो तो अपने उसमें लगा रहता है बेचारा, उसको पता है उसको तकलीफ है सिक्को से पर्सनल तकलीफ है, तो क्या गोबर खारिया इसके ऊपर कुछ बोलेगा। या एक वो आता है ना जय हिंद दोस्तों मैं फलाने से, अबे किसी दिन तेरा पीछे से कुछ निकल जाएगा, जोर थोड़ा कम लगाया कर, थोड़ा ना कम जोर लगाया कर, नहीं तो पीछे से और कुछ निकला मिलेगा, इतना जोर लगा देता अब कुछ बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। चलो और कुछ नहीं तो क्या नाम असदुद्दीन ओवैसी है ना इसके ऊपर ही बोल दे कुछ, ये क्या बोल रहा है इस पर ही बोल दे कुछ, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना इस पर बोल दे, तेरे को जगह तो चाहिए ना। असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर
जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, है ना कमाल। फिर हम बोल देते हैं एक देश एक कानून, बोल देते हैं हम एक देश एक कानून। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बन के चलो बधाई हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, उसके सवालों के जवाब अब बराबर की पावर है, ये मत समझना कि आप उसको बाहर निकाल सकते हो, बराबर की पावर है उसके पास, ये याद रखना इस चीज़ को, बराबर की पावर है। लेकिन आप लोगों को ना अब यहाँ पे इस राजनीति को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस राजनीति को। वो जय फलिस्तीन बोल रहा है, जय तेलंगाना बोल रहा है, भाई तेलंगाना की जय बोल रहा है, ठीक है तेलंगाना ईसा बोल सकता है, अपने राज्य की सभी जय बोल सकते हैं, अच्छी बात है। जय फलिस्तीन, फलिस्तीन है क्या, उसने जय फलिस्तीन क्यों बोला, और फिर उसने जय हिंदू राष्ट्र क्यों बोला, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, कोई ऑब्जेक्शन उठाया। अगर यहीं पे कोई सिख बोल देता कि जय खालिस्तान तो क्या होता, सोच के देखना थोड़ा सा क्या होता, या कमेंट में अपनी राय रख दो क्या होता, फिर इतना बड़ा तांडव नृत्य होता कि ये गोदी मीडिया भांड मंडिया इसके दलाल चिंटू मिंटू अलग से, और ये मेरे ना प्यारे प्यारे चिलम बात चिलगोजे, ये बस अब तक तो 2-4-5 kg गोबर खा के और लग जाते, शुरू हो जाते, ये कर दिया जी, देखो जी देश तोड़ दिया जी, खालिस्तान बनाना चाहते हैं क्या, फलिस्तान बनाना चाहते हो क्या, क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो क्या। मैंने बोला था ना, या तो सभी चीज़ें गलत हैं या सभी चीज़ें ठीक हैं, अलग अलग ये रवैया नहीं कि भाई ये खालिस्तान गलत हिंदू राष्ट्र ठीक, फिलिस्तीन ठीक फिलिस्तीन गलत हिंदू राष्ट्र ठीक, क्यों भाई, कुछ तो चाहिए, बताओ वैसी को भाई तू जा फिलिस्तीन चला जा भाई वहाँ पे कर, बताओ इस छत्रपाल को कि जा भाई तू हिंदू राष्ट्र नेपाल है वहाँ पे चला जा, बोला किसी ने, किसी मंडिया मंडिया के दलाल ने कोई सवाल इसके ऊपर उठाया क्या, नहीं उठाया, क्यों नहीं आया। अगर अमृतपाल सिंह के मुंह से बात निकल जाती, सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो क्या होता। और हाँ, सिर्फ अमृतपाल सिंह ही नहीं, 7 सांसद और हैं अभी जिनकी ना शपथ ग्रहण समारोह होगा, चलो आपको ये भी बता ही देते साथ के साथ, पता नहीं कहाँ पे इनको कौन सी तकलीफ हो रही होगी, चिलम्बा चिलगोजो की तकलीफ दूर करता ना, करते रहेंगे, तुम चिंता मत किया करो, तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं करेंगे तो और हम किसकी करेंगे, तुम्हारी तो तकलीफ दूर करने के लिए हम बैठे हुए हैं ना, और क्या काम क्या हमारा। अब बता देते हैं आपको 7 सांसद हैं कौन कौन से। लोकसभा में बुधवार को जिन 7 सांसदों को सांसद पद की शपथ लेनी थी उनमें कांग्रेस के शशि थरूर, टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी के दीपक अधिकारी, टीएमसी के नूरुल इस्लाम, समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी, निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह खालसा, इन 7ों की ना बाद में शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। किसी को बोल रहा था ना कब आएगा, कब आएगा, अभी लोकसभा का स्पीकर पक्का चुना गया ओम बिरला, अब वो खुद लेटर लिख के देगा, इन 7ों को आएंगे लेके आएंगे शपथ ग्रहण समारोह भी। बहुत सवाल उठा रहे थे, आया नहीं भाई अमृतपाल नहीं आया, आएगा दिल्ली, आएगा दिल्ली, रहेगा भी दिल्ली, रहेगा भी, लेकिन चिलम्बाज चिलगोज और चिंटू मिंटू और तुम्हारा गोबर खारिया, इस चीज़ का जवाब दो, ये कैसे अलग देश की मांग कर रहे हैं, इस चीज़ का जवाब है तुम्हारे पास, तुम्हारे मुंह में दही जम जाएगी, तुम बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तुम लग जाते हैं क्या, 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 क्या। कभी तो ढंग से कोई बात कर ले रहा। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में, एक को फिलिस्तीन चाहिए एक को हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो दे दो भाई अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक हो जी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।